नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अस्थमा की कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इस अस्थमा क्या होता है, किसने टाइप का होता है, कैसे सिम्टम्स होते हैं, इसकी प्रॉपर डिटेलिंग एक सेपरेट वीडियो में बनी हुई है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर जिन लोग को इसके बारे में डिटेल में जानना है वो उसको जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और लेकिन आज यहाँ पर मैं डायरेक्टली बस आपको मेडिसिन बताऊँगी कि अस्थमा की कौन सी आप टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करके अपनी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें, आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं अस्थमा के मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अस्थमा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है, लोगों को बहुत ज़्यादा वीजिंग, सांस लेने में दिक्कत, चलते समय सांस फूलना, ये सारी परेशानी अस्थमा के केसेस में देखने को मिलती है। उन्हीं के बेसिस पे हम मेडिसिन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। दोस्तों ये एक ऐसी मेडिसिन है जो अस्थमा के पेशेंट्स के पर बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि ये आपके शरीर के रेस्पिरेटरी सेंटर्स को इम्प्रूव करती है। जब आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स अच्छे से काम कर रहे होंगे, आपको सांस लेने में प्रॉपर मदद मिलेगी, वीजिंग नहीं होगी, तो आपको एस्पिडोस्पर्मा की मदर टिंचर फॉर्म को यूज़ करना है। इसकी 10-10 बूंद आप 1/4 का पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं और आपको ये कुछ ही दिन में आपकी वीजिंग टेंडेंसी को बहुत हद तक ठीक कर देगी। और अगर आप इसको लंबे समय तक ले लेते हैं तो ये उसको परमानेंटली भी ठीक कर देगी। नेक्स्ट मेडिसिन के हम बारे में बात करेंगे, एंटम टार्ट। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका सीना, आपका चेस्ट बिल्कुल जो बलगम है उससे भरा हुआ है, रटलिंग साउंड कर रहा है, मतलब घड़घड़ जैसा साउंड आ रहा है लेकिन बलगम बाहर नहीं निकल रहा, अगर ऐसा है, पूरा स्टिक्ड है, आप कोशिश कर रहे हैं बार बार खांस खांस के उसको निकालने की, वो निकल नहीं रहा, आपको बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा है, तो आप एंटम टार्ट की 30 पोटेंसी को लें। ये आपके कफ को लूज करके बाहर निकालने में आपको बहुत हद तक मदद करेगा। तो इसकी आपको 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग लेनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। आप देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर आपका चेस्ट से बलगम बिल्कुल गायब हो गया है, क्योंकि वो बार बार एक्सपेक्टोरेट होके आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, नेट्रम सल्फ। बहुत अच्छी मेडिसिन है स्पेशली बच्चों के लिए, कि अगर उनको अस्थमा अटैक बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है, बहुत ज़्यादा लाइक उनको सफोकेशन फील करते हैं, फेस बिल्कुल जैसा ब्लूइश सा होने लगता है, इतना ज़्यादा उनमें सफोकेशन हो रहा है, नेट्रम सेल्फ 30 पोटेंसी में उसको दें, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम। दोस्तों बहुत अच्छी काम करती है और ये आपको बहुत क्विक रिजल्ट भी देगी, तो इसको आप बच्चों के केस में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक इसको कॉम्प्लीमेंट करने की मेडिसिन आप साथ में चलाएं, जिसका नाम है इपिकॉक 30। ये दवा दोस्तों बहुत ज्यादा लाइक बच्चों में, अगर जैसे इतनी सीवियर खांसी आ रही है, अस्थमा अटैक, खांसते खांसते बिल्कुल वॉमिट कर दे रहे हैं बच्चे, उस सिचुएशन में ये बहुत अच्छी काम करती है। साथ ही अगर चेस्ट में म्यूकस भरा हुआ है, एकदम साउंड आ रहा है रटलिंग, और बच्चे एकदम खांस खांस के चेहरे को बिल्कुल नीला सा कर लिए, मतलब लाइक आप फील कर सकते हैं कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है प्रॉपरली, तो इन दोनों मेडिसिन को दें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी ये दोनों दवाएं दोस्तों। तो इपिकॉक की भी 30 पोटेंसी लेनी है, नेट्रम सेल्फ की 30 पोटेंसी ले, दोनों को अल्टरनेट देते जाएं, लाइक आपने जैसे नेट्रम सेल्फ दी उसके 10 मिनट बाद आप इपिकॉक दे दें, वापस से 1 घंटे बाद रिपीट करें जब तक बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ ना हो जाए। ये दवा स्पेशली मैं इसलिए बच्चों के लिए कैटेगराइज करके बता रही हूँ कि अगर बच्चों में ये टेंडेंसी है तो आप जस्ट डेफिनेटली इसको ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे, बाटा ओरिएंटलिस। दोस्तों स्पेशली वीजिंग और सफोकेशन के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर अस्थमा ट्रबल, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करें। मैं मैक्सिमम पेशेंट्स को ये दवाएँ देती हूँ और इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं अस्थमा के केस में, वीजिंग के केस में, सफोकेशन के केस में, ये दवाएं बहुत अच्छी काम करती हैं। तो ब्लाटा ओरिएंटलिस का आपको मदर टिंचर फॉर्म लेना है, इसकी 10 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के लें, और ये एक्यूट केस में आप लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक रहा है, अगर लाइक आपको बहुत लंबे समय से अस्थमा रहा है, तो आप इसकी हायर पोटेंसी के साइड जाएँ। एक्यूट अटैक है, मतलब आपको रिसेंटली शुरू हुआ है, तो आप मदर टिंचर फॉर्म को लें, और अगर आपको बहुत लंबे समय से है तो आप 200 पोटेंसी या 1 एम पोटेंसी की साइड सोचें,
तब आप उसको लें। 200 पोटेंसी को ले रहे हैं तो 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह शाम लें, 1 एम पोटेंसी को ले रहे हैं तो आप 2 ड्रॉप एवरी मॉर्निंग ले लें। जैसे ही आपको सिम्टम्स इम्प्रूव होने शुरू हो जाएं, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें, जैसे सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएं आपको दवा को डिसकंटिन्यू कर देना है, यानी को बंद कर देना है, लगातार लेते नहीं रहना है। नया नया शुरू हुआ है तो आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, पुराना है तो डाइल्यूशन फॉर्म में 201 ml में लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों, सिनेगा मदर टिंचर फॉर्म में लेनी। दिस इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर ओल्ड एज पीपल। अगर ओल्ड एज के लोगों में, बुजुर्गों में अगर अस्थमा की परेशानी है, दमा की परेशानी है, उनको सांस लेने में परेशानी होती है, सफोकेशन होता है जब वो चलते हैं, तो ये दवा उन पे बहुत अच्छी काम करती है। आप सिनेगा मदर टिंचर फॉर्म में लें, इसकी भी 10 बूंद आपको डाल के थोड़े से पानी में, गुनगुने पानी में लें दवा दोस्तों, और भी अच्छी काम करती है। आप पानी 1/4 का पानी ले लें गुनगुना, उसमें 10 बूंद इसके डाल के सुबह दोपहर शाम लें, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अस्थमा के अटैक के कंडीशन में और सांस लेने में। नॉर्मली भी जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा चलने में डिस्कम्फर्ट रहता है, सांस फूलती है, ये सारी चीज़ें ये कवर करेंगी दवाएँ। जितनी भी दवाएं मैंने बताई दे आर वेरी गुड इन अस्थमा पेशेंट्स। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों ग्रैंडेलिया, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में ही लेनी है। ये भी बहुत अच्छी दवा मानी जाती है दोस्तों अस्थमा के केस में, स्पेशली ब्रीथ डिस्टर्बेंसेस में ये बहुत अच्छी काम करती है। तो मैंने जो कैटेगराइज किया है आप उन चीज़ों को ध्यान में रखें। बुजुर्गों पे के साइड में जा रहे हैं तो आप ग्रैंडेलिया और सिनेगा की तरफ सोचें, बच्चों में या एडल्ट एज वालों में है तो आप इवन ब्लाटा रेस्पिडोस्पर्मा, इन लोगों पे बहुत अच्छी काम करती है। बच्चों की जो मैंने डाइल्यूशन फॉर्म में बताई है नेट्रम सेल्फ और इपिकॉक, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी काम करती। तो चीज़ों को अगर आप कैटेगराइज करके समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और इनको आप लें, ग्रैंडेलिया के भी आपको क्यू पोटेंसी लेनी है, 10 बूंद 1/4 कप पानी में डायरेक्टली आप डाल के सुबह दोपहर शाम लें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको कोई दोस्तों अगर लग रहा है कि ये कंडीशन मुझे थोड़ी सी एक दूसरे से सेम लग रही है, तो आप दो दवाओं को एक साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और वो आपको इवन बहुत अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो आप चाहें तो दो दवाओं को मिक्स करके लें, आपको सिर्फ सिंगल सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि हाँ ये दवा मुझ पे अकेले ही सफिशिएंट है काम करने के लिए, तो बिल्कुल सिंगल दवा को आप डेफिनेटली पानी में डाल के ले सकते हैं। तो दोस्तों बस ये कुछ टॉप मेडिसिंस हैं जो अस्थमा पे बहुत अच्छी काम करती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। वैसे बहुत सारी मेडिसिन हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स पे मेडिसिंस चेंज हो जाती हैं, लेकिन मैं कुछ जनरलाइज मेडिसिन बता रही हूँ जो मोस्ट ऑफ द पीपल पे मैंने यूज़ की हैं, उनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो मैंने आपके साथ ये शेयर की। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच दोस्तों।